सात सवाल तक आपां क्लियर कर लिया सी कम। ठीक है भी, सारे ने रिवीजन कर ली होनी मैनूं लगदा। लो भी आपां चलदे आं अगे। लो भी अठवां सवाल, चलिए स्टार लगा लियो उहदे च। स्टार क्यों भी, पेपर च आया होया। ठीक है, की कहिंदा इह? ए हाउंड परस्यू अ हेयर। बई हाउंड सुनो दस्सिया मैं की है, यह शिकारी कुत्ता है, शिकारी कुत्ता जां भेड़िया कह लो। ठीक है, ए हाउंड परस्यू, परस्यू हुंदा भी पिछे पैना, पिछा करना। ठीक है सुनी, हाउंड परस्यू हेयर एंड टेक्स 5 लीप्स फॉर एवरी 6 लीप्स ऑफ द हेयर। बई आ शिकारी कुत्ता खरगोश मगर भज रहा है, ठीक है, ते जिहड़ा शिकारी कुत्ता है वह किन्नी छलंगा मारदा है? 5 छलंगा मारदा है। तो उधर हेयर किन्नी छलंगा लगा रहा है? 4 छलंगा लगा रहा है, लीप्स मतलब छलंग। ठीक है, ओके। बट 4 लीप्स ऑफ द हाउंड आर इक्वल टू 5 लीप्स ऑफ द हेयर। देखो भी पहला उन्हें की कहा, पहला उन्हें हाउंड ते हेयर यदि की देती भी छलंगा की कपैसिटी देती, भी हाउंड मारदा 5 छलंगा तो हेयर मारदा 4 छलंगा। ठीक है, ठीक है भी, फिर उन्हें रिलेशन देता ये कहना बट 4 लीप्स ऑफ द हाउंड। हाँ जी, 4 लीप्स ऑफ हाउंड आर इक्वल टू कादे बराबर ने, भी 5 छलंगा हेयर के बराबर ने, 5 हेयर के बराबर है। ठीक है, ये आप रिलेशन लिख लिया। की पूछता है? कंपेयर द रेट्स ऑफ द हाउंड एंड हेयर। हाउंड ते हेयर दी की दसो, भी छलंगा दी रेशो दसो। ठीक है, ठीक है भी गल, हाउंड आ से हेयर आ से रेशो कितनी है? 5:4। भाई यही रेशो है? हाँ जी, नहीं ये रेशो नहीं है। भाई मैं की कहा सी, जिहड़ी रेशो हुंदी है वह सेम यूनिट दे विच हुंदी है। ठीक है, सेम काइंड दे विच हुंदी है। तां सानूं की करना पऊ, जां तां ए हाउंड नूं इत्थे हेयर च चेंज कर लो, जां आ हेयर नूं हाउंड विच चेंज कर लो। ठीक है ना, मैं कहा सी रेशो हमेशा सेम चीज़ां विच हुंदी है, जां तां हुंदी हाउंड रेशो हाउंड, ठीक है, जां हुंदी हेयर रेशो हेयर। इसलिए आपां इहनूं की करांगे, चेंज करांगे, हाउंड नूं हेयर विच चेंज कर लईए। आपां ये हाउंड नूं हेयर विच चेंज कर लैंदे हां। लो भी, हेयर विच चेंज करना है तां 4 दा हेयर, तां हेयर 4 ही रहूगा। ठीक है गल, हुण ए 5 हाउंड की जगह आपां की लिख सकते हैं? देखो भी आ से हाउंड का रिलेशन, 4 हाउंड किहदे बराबर ने? 5 हेयर दे। 1 हाउंड किहदे बराबर होगी? 5/4 हेयर दे। किन्ने हाउंड ने इत्थे? 5। तां भी 5 हाउंड किहदे बराबर होणगे? गुणा 5 दे। की आ गया भी? 25/4 हेयर। मतलब 5 हेयर, 5 हाउंड की जगह मैं की लिख सकता? भी 25/4 लिख सकता। हूँ आ सूँ पता 4 थले आ जू, तो रेशो कि बन गई? 25/4/16। 25/16 की बन गई भी? थोड़ी रेशो बन गई, ये सही बनी है यार। अच्छा, 4 दी जगह 6, सॉरी बई इतने 6 है भी। ठीक है, अज थोड़ा मास्टर थकया होया, कोई गल नहीं बई, इतने 6 है, सॉरी बी। ठीक है, तो इतने 6 हो गया, तो थले आके की हो जूगा भी? गुणा हो जूगी, 6 चौका कितना बन जू? 24 बन जू, 25/24 आंसर आ जू। गल ठीक है बई, कुछ नहीं है, हाउंड ते हेयर का रिलेशन पता करना। आप हाउंड 5 छलंगा मारता, हेयर 6 छलंगा मारता सी। ठीक है, तो आप हाउंड की छलंगा का चेंज कर लिया, हेयर की छलंगा भी चेंज कर लिया। किमें चेंज कर लिया? इतने भी आ रिलेशन आपां नूं दे रखा है। ओके, ठीक है भी। हुण देखो, मैं तुहानूं कहा सी इहदे विच जां तां हाउंड नूं हेयर च चेंज कर लो, जां हेयर नूं हाउंड च चेंज कर लो। इहनूं उल्टा करके देखो, हुण सोल्व करके, बई हाउंड ते हेयर, हाउंड मारदा सी 5 छलंगा, हेयर मारदा सी 6 छलंगा। इत्थे आपां किहनूं चेंज करिया सी? हाउंड नूं। ऐदी की आपां हेयर च चेंज करदे हां, ठीक है, सॉरी हाउंड नूं हेयर च चेंज करदे हां। बई आ हाउंड तां 5 दा 5 ही रह जूगा। ठीक है, ये हेयर नूं दसो, हेयर नूं किन्ना लिख सकते आपां? इस रिलेशन नूं तुसीं किदां यूज कर सकते हो? इदां यूज करो। लो भी, 4 हाउंड किहदे बराबर सी? 5 हेयर दे, है ना। ऐतकी तुसीं हाउंड नूं हेयर च बदलना,
ठीक है आ वाले हेयर नू जे पांच हेयर चार हाउंड दे बराबर है तो एक हेयर कि बराबर हो गया भी चार बटा पांच हाउंड दे किन्ने हेयर पता करनी है छे तो भी छे हेयर कि बराबर हो गए गुना छे कर दो कि आ गया ये चौबी बटा पांच आ गया तो ये छे की जगह मैं कि लिख सकता चौबी बटा पांच ये पांच उपर चल जूगा कि आ गया भी पच्ची बटा चौबी लो देखो आंसर सेम है ठीक है जा तो हाउंड नू हेयर च बदल लो या हेयर नू हाउंड च बदल लो ते सुमित नू समझ आया सर रिपीट कर दो रिपीट कर दें जी लो भाई सवाल तो समझ गए तुसी लो देखो दोबारा देखो मैं दोबारा दसदा कहना हाउंड हाउंड परस्यू अ हेयर एंड टेक्स फाइव लिप्स फॉर एवरी सिक्स लिप्स ऑफ द हेयर भाई ए है हाउंड आ है हेयर हाउंड किन्नी छलंगा लगा रहा है पंज हेयर किन्नी छलंगा लगा रहा है छे ठीक है भी गल उन्हें की कहा सी की कहा सी भी इन्हों का की दसो कंपैरिजन करो मैं सोनू कहा भी कंपैरिजन हमेशा सेम चीज़ा विच होगा इत्थे हाउंड इत्थे हेयर है तो कंपैरिजन यह सही है नहीं भी सही नहीं है तो सोनू की करना पऊ जां तां हाउंड नू हेयर विच कन्वर्ट करो जां हेयर नू हाउंड विच कन्वर्ट करो समझे ना गल तां भी मैं की कहा पहले पहली बार मैं की करदा हाउंड नू हेयर विच चेंज कर लैंदा ठीक है ये हेयर तो छे का छे ही रहूगा हाउंड नू चेंज करदे आपां ओके किवें चेंज करोगे सोनू आ रिलेशन दे रखे बी ठीक है की रिलेशन है फोर लिप्स ऑफ द हाउंड हाँ जी फोर लिप्स ऑफ द हाउंड आर इक्वल टू फाइव लिप्स ऑफ द हेयर कि बराबर ने पांच हेयर के बराबर है ठीक है जो चार छलंगा हाउंड दी है पांच हेयर की छलंगा के बराबर है तो एक हाउंड की छलंग कि बराबर होगी पांच बटा चार हेयर दे पता किन्नी करनी है किन्ने हाउंड ने बी पांच ने तो पांच कि बराबर होगा इनू गुना पांच ही होगा ना तो कि आ गया पांचों पांचों पच्ची बटा चार इसलिए मैं उरे हाउंड की जगह की लिख सकता भी पांच की जगह की लिख सकता है पच्ची बटा चार लिख सकता है ठीक है तो आपको पता चार थले आ जूगा तो कि बन जूगा छे चौगा चौबी बन जूगा ठीक है ये गल पता ना थोनू भाई जे एक बटा दो तीन बटा चार है ये किवें लिखा जाऊगा एक बटा दो ये तीन थले ही रहूगा तो आ चार उपर चल जू ठीक है ये कि बन जू चार बटा छे बन जू आ चीज़ करी है मैं इतने हूँ दसो भी हूँ क्लीयर है सर जी आ गया समझ ओके जी अश्वनी जी तुसी दसो भी सुमित सुमित दसो समझ आ गया होगा ठीक है भी हूँ तुसी एदा की करना है ये थोड़ा तुसी आपे करना होमवर्क है थोड़ा तुसी मैं की करया भी हाउंड नू हेयर विच कन्वर्ट करया तुसी की करना है हेयर नू हाउंड विच कन्वर्ट करियो ठीक है ये तुसी करके दस्यो मैनू जां एंड च करो क्लास दे ठीक है भी अगे चलदे आपां लो भी नौवां सवाल है ये नौवां सवाल भी परसेंटेज दा सवाल है ठीक है जदों परसेंटेज आवांगे ना तुहानू बड़ा घैंट तरीका दसांगे तुसी कहोगे मास्टर जी नज़ारा आ गया ठीक है इहनू हले आपां पेंडिंग छड्डदे आ परसेंटेज दे चैप्टर लई दसवां सवाल आप करिए दसवें सवाल तो पहला ना एक चीज समझो जिमें मैं कहा आ बाल्टी है ये बाल्टी च मिल्क है ते वाटर है ठीक है मिल्क है 2 लीटर ते वाटर है 5 लीटर ठीक है मैं कहा दसो भी ये विच मिल्क किन्ना है ठीक है मिल्क किन्ना भी 2 लीटर है किन्नियां विच्चों पांच ते दो सत्त विच्चों ठीक है ना गल टोटल 7 लीटर विच्चों मिल्क किन्ना है 2 लीटर है ठीक है भाई गल ओ भी मैं कहिंदा इहदे विच दसो मैनू वाटर किन्ना है भाई वाटर किन्ना किन्ना दसोंगे पांच है किन्ने विच्चों पांच ते दो सत्त विच्चों भी पूरे 7 लीटर विच्चों वाटर किन्ना है 5 लीटर है गल क्लीयर है ठीक है हूँ देखो सवाल देखो कहना वन मैन एड्स 3 लीटर ऑफ वाटर टू 12 लीटर ऑफ मिल्क भी ये बंदा है वेला सी लॉकडाउन है भी ठीक है सारी वेले ने की करिए वेला बैठा सी उन्हें टब चक लिया ये टब च की करे उन्हें 3 लीटर तो पानी मिलाता हाँ जी वाटर मिलाता 3 लीटर ठीक है तो इस टब च 12 लीटर
मिल्क पाता। ठीक है भी गल। एंड अनदर बई होर वेला सी बंदा भी की करे हुण, एक होर टब लिया उन्हें, कहिंदा 4 लीटर ऑफ वाटर टू 10 लीटर ऑफ मिल्क। दूजे टब च उन्हें की करया बई पानी पाता 4 लीटर ते मिल्क पाता भी 10 लीटर। ठीक है गल। कहिंदा वट इज़ द रेशो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मिल्क इन द टू मिक्सर। ये दोहां मिक्सरां विच मिल्क की स्ट्रेंथ दसो भी मिल्क किन्ना है। ठीक है सिंपल कुछ भी नहीं बई। हाँ जी जिवें तुसी आ वाली चीज़ सीखी है इत्थे लिखो बई मिल्क की गल करनी आप। भांडे विच दसो मिल्क किन्ना भी। हाँ जी किन्ना मिल्क 12 लीटर है ना। ठीक है ठीक है। किन्ने विच्चों 3 ते 12 15 विच्चों भाई समझे ना गल। 15 लीटर विच्चों 12 मिल्क है। ये भांडे विच गल करिए आप किन्ना मिल्क है भी 10 है। किन्ने विच्चों हाँ जी 14 विच्चों। ठीक है 4 ते 10 14 भाई आही रेशो है आही आंसर है। ठीक है बस सिंपल कुछ भी नहीं है। बस की होगा पेपर च भी आ आंसर भी दिता हो सकता है इनू चेंज करके भी दिता हो सकता है। ठीक है इनू होर छोटा कर लो। देखो भी 4 ते 12 5 ते 15 5 दूनी 10 7 दूनी 14 तो रेशो किन्नी आ गई 4/5 ये आ गई 5/7। तो सोनू मैं दसा भी फ्रैक्शन के ए बटिया च रेशो आप रखनी नहीं। ठीक है तो आप इनू चेंज करने की करते होंने आप डिनोमीनेटर का की लैन लें लघुत्तम लैने 5 ते 7 का लघुत्तम एलसीएम कि 35 इनू 35 35 दोहां गुणा कर दो किन्ना गया भी 5 7 35 ये आ गया सच होगा 28 ये आ गया 5 7 35 5 5 25 आ भी थोड़ा असली आंसर बन गया। ए भांडे विच मिल्क किन्ना है 28 हिस्से ए भांडे विच मिल्क किन्ना 25 हिस्से। ठीक है भी गल क्लीयर है। हुण यही सवाल मैनू वाटर की स्ट्रेंथ दसो भी दसो फटाफट सेम सवाल दे विच करो तो भी वाटर की गल करिए आप। ठीक है आही दो टब ने बई इतों का समझ लो कि टब मैं दोबारा नहीं बना रहा इतों सवाल आप अगे चलते हैं। ठीक है पहला भी सारे सवाल च मिल्क की गल हुई है एतकी आप वाटर की गल करते हैं। हाँ जी बोलो ये टब विच वाटर किन्ना भी किन्ना 3 लीटर है ना। टोटल किन्ने विचों 3 ते 12 15 लीटर विचों। ठीक है ओके ए टब की गल करो ए टब विच वाटर किन्ना भी 4 लीटर है किन्ने विचों 14 लीटर विच। बस आंसर है होर की कुछ है ही नहीं की रह गया इनू कट लो भी 5 3 15 ये आ गया भी 2 तो आ गया 7 1/5 आ गया यह आ गया 2/7 इन्हों दोहां दा लघुत्तम भी है ना डिनोमीनेटर का 5 7 35 35 35 दोनों गुणा मार दो लो भी ये आ गया 7 ये आ गया 10 बस भाई कुछ भी नहीं। ठीक है ओके भाई हेलो। हाँ जी हाँ जी पिछला लेक्चर नहीं लाया मैं लगता जो रेशो बटिया च रही होंगी है ना प्रोपर लिखन लिए की करते हुए हेठ लिया एलसीएम ले आने जो डिनोमीनेटर ने डिनोमीनेटर उ इतने किन्ना 7 है 5 ते 7 का आप लिया लिया एलसीएम ले लिया 5 ते गया 1 5 5 फिर 7 रह गया फिर 7 ते गया किन्ना आ गया भी 5 ते 7 5 7 आ किन्ना 35 तो 35 35 गुना मारती बस यही कर 35 35 70 आ गया ना ना दूना के में 70 आ गया रे इतनी निबड़ गया है एलसीएम है इतनी कौन हो जी करे मैं इतनी मुझे ना मैं के मैं कितने ही 7/10 के में इतने यार लो 1/5 सी ये 2/7 सी इन्ना दो हाँ द एलसीएम कितना आ गया 35 आ गया गुना 35 करता ना। ठीक है हाँ जी ठीक है इन्हू करता मैं 5 7 35 आ गया इतने कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है ते आ 7 5 35 कटा गया 5 ते 2 5 2 10 ये 10 आ गया बस आ गल है भाई। ठीक है बस ठीक है मैं नंबर हां जी ठीक है भाई लो भी आगे चलते हैं फिर अपन। भाई और बहनों हां जी 11वां सवाल स्टार ला लो भी ये भी पेपर च आया सारे पेपर च आए ने यार
ਸਾਰੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਲਵਾਉਣਾ ਨਾ ਉਹ ਚ ਸਟਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਲੋ ਵੀ 425 ਡਿਵਾਈਡ ਅਮੰਗ 4 ਮੈਨ 5 ਔਮਨ ਐਂਡ 6 ਬੋਇਜ਼। ਬਈ 425 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? 4 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ 5 ਬੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ 6 ਜਵਾਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੈਟ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਅ ਮੈਨ ਅ ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਅ ਬੋਏ ਮੇ ਬੀ ਇਨ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ 9:8:4। ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 9 ਹੈ। ਇੱਕ ਵੂਮੈਨ ਦਾ ਅ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਵੂਮੈਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 8 ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਏ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 4 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਅ ਵੂਮੈਨ? ਬਈ ਇੱਕ ਵੂਮੈਨ ਦਾ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਸ਼ੇਅਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 9 ਹਿੱਸੇ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 4। 9 ਚੋਗਾ 36, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਜੂ? 36 ਹੋ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਵੂਮੈਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 8 ਸੀ। ਵੂਮੈਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ? 5 ਸੀ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ? 8×5=40 ਹਿੱਸੇ ਆ ਗਏ। 5 ਵੂਮੈਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 40 ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਬੋਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਵੀ? 4 ਸੀ। ਟੋਟਲ ਬੋਏ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 6 ਨੇ। ਤਾਂ 6 ਬੋਏ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ? 6×24 ਆ ਗਿਆ। ਬਈ 4 ਮੈਨ 36 ਹਿੱਸੇ ਲੈ ਗਏ, 5 ਬੁੜੀਆਂ 40 ਹਿੱਸੇ ਲੈ ਗਈ, ਤੇ 24 ਬੋਏ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਗਏ? ਸੋਰੀ, ਬੋਏ 6 ਬੋਏ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਗਏ? 24 ਹਿੱਸੇ ਲੈ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 36, 40 ਤੇ 24। 36 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ? 40, 60, 100। 100 ਹਿੱਸੇ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ? 425 ਦੇ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ? 425/100 ਦੇ। ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ? ਵੂਮੈਨ ਦਾ। ਵੂਮੈਨ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਬਈ? ਵੂਮੈਨ ਕੋਲ 40 ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 40 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 40 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੂਮੈਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਇਆ? ਇਹ 5 ਵੂਮੈਨ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਅ ਵੂਮੈਨ, ਇੱਕ ਵੂਮੈਨ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਬਈ ਜੇ 40 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 5 ਵੂਮੈਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 5 ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੂਮੈਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲਓ। ਲਓ ਵੀ ਕਟਿੰਗ 0 ਨਾਲ 0 ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟੋ। 8×5=40, 5×5=25, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੱਟ ਲਓ ਯਾਰ, 2×2=4, 5×2=10, 17×5=1, 17×5=7×35, 17×34 ਆ ਗਿਆ ਵੀ। 34 ਵੂਮੈਨ, 34 ਰੁਪਏ ਲੈ ਗਈ ਇੱਕ ਵੂਮੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਖੋ ਵੀ ਫਟਾਫਟ। ਲਓ ਵੀ 12 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ, ਬਈ ਇਹ ਵੀ ਸਟਾਰ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕਾਰਟਨ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਏ ਡਜ਼ਨ ਮਿਰਰ, ਕੁਛ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਾਰਟਨ ਹੈ। ਕਾਰਟਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ? ਗੱਤੇ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਅ ਡਜ਼ਨ ਮਿਰਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪਏ ਸੀ ਵੀ? ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪਏ ਸੀ? 12 ਮਿਰਰ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਜ ਡਰੋਪਡ, ਵੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਤਾ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਡੱਬਾ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨੇ? ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਫੋਲਿੰਗ ਕੈਨ ਨੋਟ ਬੀ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਬਰੋਕਨ ਮਿਰਰ ਟੂ ਅਨਬਰੋਕਰ ਅਨਬਰੋਕਨ ਮਿਰਰ, ਬਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡੱਬਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਲੀ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਫਰਸ਼ ਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਗਿਰ ਗਏ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਗਿਰਨ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? 12 ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, 2 ਤੇ 1 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 3। 3 ਵੀ 12 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਕੈਨ ਨੋਟ ਪੁੱਛਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, 3 ਤੇ 1, 3 ਤੇ 1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ? 4। 4 ਵੀ 12 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਹ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਖਤਮ। ਚੌਥੀ ਦੇਖੋ ਵੀ, 1 ਤੇ 1 2 ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 12 ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਗਲੀ 7 ਤੇ 5 ਵੀ 12, ਇਹ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੈ ਆਪਣੀ,
ठीक है, तीन ते दो भी पांच, भाई पांच बारह से डिवाइड हो रहा है, नहीं, तो आंसर की हो गया 3:2, बस सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है भी गल, ठीक है जी गल, अगे चलिए भाई, नू रीकनैक्ट कर लो यार सारे ना। फिर आ गई प्रपोशन, प्रपोशन कुछ नहीं छोटा जा टॉपिक है, आप एंड च करा चैप्टर दे, ठीक है। अगे चलो अपना मेन काम आ गया इतने, चलिए भी अगे। लो भी आप सीखने टेबल, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास किसी ने लगाई होगी तो उन्होंने टेबल आ गया हो, ठीक है, पर तुम सुन लो हूँ लाइव क्लास है जो की कहता है। इफ अ फाइव बॉल्स कॉस्ट 8 रुपीज, वट डू 15 बॉल्स कॉस्ट, बई पांच गेंदा की कीमत किन्नी है, 8 रुपये है, ठीक है, 15 गेंदा की कीमत दसो किन्नी होगी। ओके, इनू किवें करदे आपां, यूनिटरी मैथड नाल करदे आ, ठीक है, पांच गेंदा की कीमत किन्नी, 8 रुपये, एक गेंद की कीमत किन्नी हो, 8/5 होगी, तो भी 15 गेंदा की कीमत किन्नी होगी, गुणा इनू की कर देंगे, 15 कर देंगे ना, 5 × 15 = 24, की आ गया भी आंसर, 24 आंसर आ गया। जे 5 गेंदा की कीमत 8 रुपये है तो 15 गेंदा की कीमत किन्नी हो, 24 रुपये हो, ठीक है, ठीक है भी गल। इनू आप किहड़े तरीके नाल करना है, टेबल मैथड नाल करना है, ठीक है, ये बहुत अगे काम आऊगा भी, ये थोनों काम आऊगा एलीगेशन च काम आऊगा, ठीक है, तो एक होर सी टाइम एंड वर्क च, टाइम एंड वर्क च बहुत काम आऊगा ये, ठीक है, इतने ध्यान समझ लो इनू। टेबल दे विच की बनाना भी तुसी, कंटेंट लिखो की है भाई, बॉल्स ने ते रूपीज ने, टेबल बना लो बॉल्स एंड रूपीज। हाँ जी, इनफॉर्मेशन लिखो, 5 गेंदा की कीमत, हाँ जी 5 गेंदा की कीमत किन्नी है, 8 रुपये, ठीक है, 15 गेंदा की कीमत किन्नी हो, हाँ जी 15 गेंदा की कीमत किन्नी हो, ठीक है, ओके। हूँ ये चीज़ करने तो पहले एक होर चीज़ समझो तुसी, मैं कहना एक है भी 2/5, एक है 5/2, ठीक है, दोहां मैं 100 नाल गुणा करूँगा, ओके, देखो भी यदा आंसर किन्ना आया, 5 × 10 = 20, किन्ना आंसर आया, 40, यदा आंसर किन्ना आया भी, 50 × 25 = 250। हूँ देखो मैं की कहना गा भाई, जो सोडा न्यूमिनेटर छोटा हुंदा है जी, उपर जो न्यूमिनेटर 2 है छोटा है, तो आंसर छोटा की आया 40, आंसर भी किन्ना आया, घट आया, ठीक है, जो तुसी न्यूमिनेटर ले लिया बड़ा 5 ले लिया तो थोड़ा आंसर क्या है, 250, तो आंसर क्या है थोड़ा वड्डा, बट जे न्यूमिनेटर बड़ा होगा तो आंसर भी थोड़ा ज़्यादा हो, जे न्यूमिनेटर छोटा होगा तो आंसर भी थोड़ा की आओ घट आओ, ठीक है, ये कंसैप्ट समझ गए। हूँ वापिस आप आने आ टेबल से, लो भी टेबल तो तुम लिख लिया सीगा, है ना, 5 गेंदा 8 रुपये की, 15 गेंदा की कीमत दसो, लो भी जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के सामने वाली चीज़ तुम लिख लैनी है, लो भी लिखो 8, ठीक है, फिर तुम इधरले पासे जिथे क्वेश्चन मार्क है उधरले पासे नहीं, उस तो उल्ट वाले पासे इधर जी सोचना है, ध्यान नाल सोचो भाई, 5 गेंदा की कीमत 8 रुपये है, ठीक है, आ तुसी हो ये सोनो दुकान ते भेजता, ठीक है, ठीक है भी, 5 गेंदा तुसी लैन गए सी तो तुसी उन्हें रुपये किन्ने दिते, 8 रुपये दिते, ठीक है, एतकी तुसी दोबारा जाने हो, दोबारा तुसी किन्नी गेंदा लैन जाना, 15 गेंदा लैन जानी है, तो तुसी उस दुकानदार नू 15 गेंदा लई कीमत ज़्यादा दोगे कि घट दोगे, है ना भी, ज़्यादा ही दोगे भाई, जिन्ना समान तुसी ज़्यादा खरीदोगे पैसे भी तो ज़्यादा ही देने पैणगे, ठीक है, तो ज़्यादा आंसर लैके आना तुसी, ज़्यादा आंसर किवें आओ, आ 8 नू मैं 5/15 नाल गुणा करा कि 15/5 नाल, हाँ जी 15/5 नाल, हाँ भी न्यूमिनेटर बड़ा रखूँगा ना मैं, ठीक है, लो भी 5 × 15 = 8 = 24, लो भी 24 आंसर आ गया, आही सेम आंसर है, ठीक है, क्लियर है, टेबल समझे। लो भी अगली एग्जांपल देखो भी, इफ 15 मैन कैन रीप अ फील्ड इन 28 डेज, इन हाउ मैनी डेज विल 10 मैन कैन रीप इट, ठीक है,
रिब भी बढ़ना होंगे गा, ठीक है, फसल बढ़नी बी खेत सी आ खेत सी ये खेत विच पहला 15 बंदे भेजते तो किन्ने दिन काम उन्होंने करता 28 दिन, ठीक है। ऐतकी कहता मैं ऐतकी बंदे किन्ने भेजने 10 बंदे ही भेजने हैं तो दसो किन्ने दिन लगनगे, ठीक है। हुण ए सवाल दे विच आपां टेबल अपलाई करिए कि कहा सी मैं टेबल च लिख लो भी मैन ने और की है डेज है, ओके किन्ने बंदे ने 15 किन्ने दिन काम खत्म कर दें 28 दिन काम खत्म कर दें इन हाउ मैनी डेज, हाँ जी हाउ मैनी डेज तो डेज थले क्वेश्चन मार्क लग जूगा है ना। 10 मैन रिपीट 10 बंदे किन्ने दिन लैनगे, चलिए भी उही स्टैप क्वेश्चन मार्क के सामने वाली चीज लिख लो 28, ठीक है, ठीक है भी गल। हुण देखो मैं कहा सी सोचना इधर दी ध्यान नाल सोचो, ये खेत विच आ जिहड़ा खेत मैं बनाया इन्ना वधिया पहला तुसीं 15 बंदे भेजे, ठीक है, तो दिन किन्ने लगे 28 दिन लगे। अगली बार तुसीं सिर्फ 10 बंदे भेज रहे हो, ध्यान नाल सिर्फ तुसीं किन्ने बंदे भेजे 10 बंदे, तो हुण जिहड़ा काम होगा वह जल्दी खत्म हो कि लेट खत्म होगा, दिन दसो दिन ज्यादा लगन गए कि घट लगन गए, है बई ज्यादा लगन गए कि नहीं, समझ रहे हो ना गल, जिन्ने बंदे घट भेजोगे बई वह कम घट करे, कम घट होगा कम हौली होगा तो दिन की होगा, दिन ओबियसली दिन ज्यादा लगन गए, तो आंसर की लैके आना भी ज्यादा लैके आना, ज्यादा आंसर किवें आऊ ये 28 आपां 5/10 ना गुणा करिए कि 10/15 नाल, ठीक है 15/10 नाल न्यूमिनेटर आपां वड्डा रखांगे, कट्टो भी 5 3 15 5 2 10 ये आ गया 1 2 2 4 2 8 14 3 42 42 डेज लगन गए। अगला सवाल करो मेरे सामने ये करके दिखाओ, इत्थे मैं कर दां वो आवाज जांदी अंदर करो भी करो, बहुत सियाने जवाक ने हाय हाय इन ए गिवन टाइम 12 पर्सन मेक्स 111 टॉयज, लो भी पर्सनस ने ते खिडौने ने टॉयज ने, 12 बंदे किन्ने खिडौने बनाउंदे ने भी 111, इन द सेम टाइम 148 टॉयज आर टू बी मेड, बई टॉयज ऐदी की किन्ने बनाने हैं 148, हाउ मैनी पर्सन शुड बी इंप्लॉयड, किन्ने बंदे अपन नू लगाने पैणगे, ठीक है। लो भी मैं फिर उही गल क्वेश्चन मार्क के सामने वाली चीज लिख लो 12, हाँ जी इधर दी सोचना तुसी टॉयज वाले पासे, मैं कहना जिधर क्वेश्चन मार्क उधर नहीं उस तो उल्टा वाले पासे दी सोचना है, भाई जो तुसी 111 खिडौने बनाने सी तो तुसी बंदे रखे 12 है ना, ऐतकी दुकान ते कम ज्यादा है खिडौने तुसी ज्यादा बनाने हैं तो बंदे भी सोनू की चाहिए ने, की चाहिए ने भी ज्यादा चाहिए ने, तो आंसर की आऊगा ज्यादा आऊगा, आंसर ज्यादा कि मैं 148/111 सिंपल कट दो पास इन, ये भी देखो सीधा 3 के पहाड़े कट्टे जाओ 4 3 12 3 3 9 7 21 ठीक है 37 4 148 होंगे ने, 24 24 कि 16 बई 16 बंदे चाहिए ने थोनू, ओके लिखो जल्दी भी। अगला सवाल करोगे ये कर सकते तुसी कि होमवर्क देना यार ये 13 14 चलो कर दें आप अगे तुसी होर समझोगे। इफ 192 मैंगोज कैन बी बॉट फॉर 15, लो जी मैंगोज ते रुपए किन्ने ने 15, 192 रुपए तुसी खरीद ले 15 रुपए विच, ठीक है, हाउ मैनी कैन बी बॉट फॉर रुपीज 5, 5 रुपए विच तुहानू किन्ने अंब मिलणगे दसोगे मैनू, क्वेश्चन मार्क दे सामने वाला 192 आपां लिखता, हाँ जी इधर दी सोचो बई सोनू दुकान ते भेजता सोडी जेब च 15 रुपए पा के, तो तुसी अंब किन्ने लिया 192, अगली बार सोडी जेब च रुपए किन्ने ने 5 ने, तो सोनू अंब ज्यादा मिलणगे कि घट मिलणगे बई, हाँ बई किन्ने मिलणगे
भाई सीधी जी गल है, जो तो पैसे घट हो गए तो अंब भी तो घट मिलने, तो घट आंसर किवें आऊ, 5/15 नाल गुणा करके। सिंपल, 5 3 15 इनू कट दो, 6 3 18 4 3 12 किन्ना आ गया भी, 64 अंब ले आओगे तुसी। ठीक है भी, आया है अश्वनी ने आंसर देता, राधा ने देता, सुमित ने भी देता, लो भी नज़ारा लिया था मैनू तुसी सारे जवाकों ने। अगला भी, अगला यार सेम सवाल तुसी पहला कर, होमवर्क है चौथा, ठीक है, सेम ही आया सीगा ये, वही 15 मैन कैन रिफील्ड इन 28 डेज, 5 बंदे दसो किन्ने दिन लगाएंगे। ठीक है, लो भी अगला, चल 4 ला लो, ये 4 5 स्टार ला लो, जिवें भी है पेपर च आउंदा हुंदा ये सवाल। ठीक है, लो भी समझो ध्यान नाल, ए फोर्ट हैड ए प्रोविजन फॉर 150 मैन फॉर 45 डेज। भाई फोर्ट एक किला हुंदा है, प्रोविजन मतलब प्रोविजन करके रखे, स्टोर करके रखे, ठीक है, एक किला है, ठीक है, हाय हाय इतने आप झंडा भी लाने, एक किला भी, एक किले विच प्रोविजन है किन्ने बंद की, 150 बंद की प्रोविजन है, किन्ने दिन की, 45 दिन की, मतलब ये 150 बंद की रोटी पई है, अनाज पिया है ना, वह अनाज किन्ने दिन चलूगा, 45 दिन चल सकता जे वह 150 बंद रोटी खवाएंगे। ठीक है, ओके, आफ्टर 10 डेज, हाँ भी 10 दिन बाद, भाई 10 दिन निकल गए, रोज़ वह 150 बंद रोटी खवा रहे हैं, इदा करते करते 1 2 3 4 10 दिन टप गए। ठीक है, 10 दिन टप गए तो दिन बच किन्ने गए भाई, 35 दिन बच गए है ना, 25 मैन लैफ्ट, वह 10 दिन बाद 25 बंदे भी छड के चले गए, आ मंदिर छड के चले गए, तो बंदे किन्ने बच गए, 125 बच गए। ठीक है, हाउ लोंग विल द फूड लास्ट एट द सेम रेट ऑफ द रिमेनिंग मैन। ठीक है, इतने कुछ कट्टा गया तो नहीं, ठीक है, रिमेनिंग इतने मैन आऊगा भाई, इतने थोड़ा जहा कट गया रिमेनिंग मैन। ठीक है, हम ये सवाल टेबल ना कर दे, अपना ये अपना टेबल नहीं बनाया, ये अपना इनफॉरमेशन लिखी है, हूँ टेबल बनाओ भी, मैन ते डेज, ध्यान ना भाई किन्ने मैन सी, 150, किन्ने दिन रोटी चलनी सी उन्हां दी, 35 दिन है ना, बंदे बच किन्ने गए, 125, किन्ने दिन रोटी उहदे चलूगी। ठीक है, ध्यान नाल समझो भी, जिहड़ी इहदे विच जदों भी 10 दिन निकल गए, दिन तो अपने कोल 35 बच गए, ठीक है, दिन तो 35 दिन की ही रोटी बची है, पर वो 35 दिन किन्ने बंदे की रोटी बची है, भी अनाज तो 150 बंद का ही पिया ना हले, ये अनाज तो हले भी 150 बंद का पिया है। ठीक है ना, तो करके आप इतने 150 लिखा है, यही डाउट पैदा होंगे, होर कोई डाउट नहीं, हूँ बंदे किन्ने ने, 125 है, तो दसो रोटी किन्ने दिन चलूगी, हाँ भी क्वेश्चन मार्क के सामने वाली चीज लिख ली 35। ठीक है, लो भी ए घर पहले 150 बंदे से, तो रोटी अपनी 35 दिन चलनी सी, हूँ किन्ने बंदे रह गए, 125, तो रोटी की चलू, ज्यादा दिन की घट दिन, हाँ भी ज्यादा दिन चलू, ज्यादा आंसर किवें आऊ, 150/125। ठीक है, सिंपल जी गल है, जे घरे पहला 5 बंदे सी, ठीक है, हूँ बंदा जे एक बंदा छड के बग गया, 4 बंदे ही रह गए, तो रोटी ज्यादा दिन चल सकती ना, लो भी कट दो इनू, 25 5 125, 25 6 150, 7 5 35, 7 6 42, भी 42 दिन रोटी चल सकती है। ठीक है भी गल, लो भी छेवा सवाल चलिए, इफ 8 मैन कैन रीप 80 हैक्टेयर्स इन 24 डेज। ठीक है, हम भी 3 चीजा आ गई, वो भी लो भी 3 चीजा बना लो, मैन हैक्टेयर ते डेज, भाई 8 बंदे 80 हैक्टेयर ते काम कर देंगे ने, किन्ने दिन लगते उन्होंने, 24 दिन लगते ने, हाउ मैनी हैक्टेयर, हाँ भी हैक्टेयर पूछा तो हैक्टेयर थले क्वेश्चन मार्क लगा ला मैं, कैन 36 मैन, किन्ने बंदे ने भी, 36 बंदे ने, रीप इन 30 डेज, किन्ने दिन विच करना, 30 दिन विच करना, ये भी अपना टेबल बन गया। हूँ भी तुसी वो मास्टर जी, तुसी असी तो दो वाली कराया सी, जिहदे विच दो चीज़ा हुंदिया सी, हुण तां 3 आ गईआं, ठीक है, 3 वाली आन, 4 वाली आन, 5 वाली आन, जिन्ने मर्जी आन, सानू सारी आउंदी होणगीआं,
लो भी समझो जो दो तो बाद टेबल विच चीज आना तो किवें करना है। ओही पहला स्टेप क्वेश्चन मार्क के सामने वाली चीज लिख ली 80। ठीक है हुण की करना है एट ए टाइम दो चीजा लै लो ये दोहे लै लो जा आहा ते आहा लै लो। ठीक है पहला आ चीज़ भुल जाओ मान लो आ चीज़ भुल जाइए आप भी आ चीज़ है नहीं इन्हों दोहां नूं देख लो देखिए लो भी खेत च मैं 8 बंदे भेजते तो किन्ना टाइम किन्ना हैक्टेयर काम करता उन्होंने 80 हैक्टेयर उत्ते काम उन्होंने करता। ठीक है अगली बार मैं उसी खेत च 36 बंदे भेजते तो हैक्टेयर ज़्यादा काम करेंगे कि घट करेंगे। ठीक है ना भाई सीधी जी गल है जो ज़्यादा बंदे भेजोंगे तो काम भी तो ज़्यादा होगा तो आंसर की लैके आना ज़्यादा ज़्यादा आंसर किवें आऊ भी 36/8 नाल। ठीक है ये हो गया हुण जिहड़ा बचा ये इन्हां दोहां दा रिलेशन देख लो क्लीयर है ना एक बार च भुल जाओ एक एट ए टाइम दो चीज़ा चको तीजे नूं भुल के। ठीक है जो अगला हो गया तो उन्हूं भुल के जिहड़ा बच गया उन्हूं लैके कर लो। लो भी देखो इधर इधर दी सोचो 24 दिन किन्ना हैक्टेयर करते 80 30 दिन किन्ना हैक्टेयर करे भाई जो टाइम ज़्यादा दोगे तो कम भी तो ज़्यादा होगा। ठीक है ज़्यादा कम होगा तो ज़्यादा आंसर लैके आने 30/24 बस हो गया भी कट दो बस ये आ गया 8 नाल 10 ये आ गया भी 6 चौका 24 6 को 6 को 36 इन फिर 2 च कट दो 2 3 फिर इनू 5 च कट दो 5 15 15 30 45 इन्ना आ गया भी 450 हैक्टेयर आ गया। ठीक है भी गल अश्वनी 150 450 रवि 450। ठीक है सुमित क्लियर है गल तीन आला भी कर दोगे हूं जे भी चार आला जे चार एक की बचन ठीक है एक बार च दो ले दो चीजा लेनी है बस कुछ नहीं। ठीक है अगला सवाल करके दिखाओ जिन्हें करता ओनू एक टॉफी नाम। इफ 30 मैन वर्किंग 7 hours a day ये सी चीज बस और कुछ नहीं। ठीक है 30 बंदे काम करते हैं 7 घंटे 1 दिन काम करते हैं कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days बई मैन ने 30 hours a day किन्ने घंटे काम करते हैं 7 घंटे किन्ने दिन काम खत्म करते हैं बी 18 दिन इन हाउ मैनी डेज बी डेज थले क्वेश्चन मार्क विल 21 मैन हाँ जी किन्ने बंदे ने 21 वर्किंग 8 hours a day एक दिन च किन्ने घंटे काम करते हैं 8 घंटे काम करते हैं डू द सेम पीस ऑफ वर्क सिंपल। हाँ जी क्वेश्चन मार्क के सामने वाली चीज़ लिख ली आप 18। ठीक है मैं की कहा जी एक टाइम च दो चीजा लो भी इन्होंने दोहां देख लिया अपना डेज से मैनू। ठीक है लो भी इधर सोचो 30 बंदे किन्ने दिन काम खत्म करते हैं 18 दिन 21 बंदे किन्ने दिन काम खत्म करे घट के ज्यादा ज्यादा दिन लैन गए। ठीक है तो 30/21 क्लीयर है लो भी ये हो गया हूँ ये दोहां का देख लो रिलेशन। हाँ जी ध्यान नाल बई जे एक दिन च 7 घंटे काम करते हैं। ठीक है एक दिन की शिफ्ट कि 7 घंटे है तो किन्ने दिन काम खत्म किया उन्होंने 18 दिन। ठीक है जे उ हूँ एक दिन वाधा देने काम एक दिन की शिफ्ट कि बद गई 8 घंटे हो गए तो एदकी दिन किन्ने लगन गए दिन एदकी घट लगन गए समझ रहे हो ना बी हरेक दिन तुम शिफ्ट बधाती काम तुम रोज ज़्यादा कर लग गए तो ओवरऑल जो डेज हो घट जाएंगे ना आंसर की लैके आना घट घट कि वो भी 7/8 नाल आ कैलकुलेटिंग फिगर बननी सी बस अगे तो कटिंग ही यार कट लोंगे 7 × 21 ये आ गया। ठीक है यह आया 9 यह आया 4 यह आया 2 यह आया 5 9 × 5 = 45 45/2 आ गया जा कह लो 22.5 दिन आ गए क्लीयर है भी। 8वें सवाल भी SSC CGL Tier 2 दे विच आया। ठीक है Tier 2 का सवाल है ये आप लास्ट च करांगे हाले तुसी पहला ये पकड़ बना लो 9वां सवाल करिए आप पहला। ठीक है एंड च करांगे सारे सवाल करांगे परवाह ना मनो। लो भी ए गैरिसन ऑफ 2200 men इज प्रोविजन फॉर 16 weeks एट द रेट ऑफ 45 dags per day पर मैन भी की है गैरिसन है गैरिसन हुंदा जिथे फौजी रोटी खांदे ने भी। ठीक है उत्थे 2200 बंदे
देखिए प्रोविजन है हुण आया सी ना पिछे प्रोविजन फॉर किन्ने हफ्तिया की रोटी है उत्थे भी 16 हफ्तिया की रोटी है 45 डैग पर डे की है डैग भी क्वांटिटी है खाने की तुसी इहनू रोटी मान के चल लो चुप करके भी 45 रोटी खा लैंदे एक दिन दे विच ठीक है ओके लो भी टेबल बना लिया जिन्ना आपां पढ़िया उहदा टेबल बना लैंदे आ किन्ने बंदे 2200 ठीक है किन्ने हफ्तिया की रोटी वीक्स किन्ने ने 16 ते डैग जिन्हों मैं कहा रोटी मान लो किन्नी रोटी खाता भी एक बंदा 45 रोटी खाता ओके फिर अगे पढ़ो हाउ मैनी मैन मस्ट लीव ये शब्द ध्यान च रखियो मस्ट लीव द गैरिसन सो दैट द सेम प्रोविजन मे बी लास्ट फॉर 24 वीक्स भाई किन्ने हफ्ते रोटी होर चलाने 24 हफ्ते रोटी किन्नी करती 33 डैग करती भी 33 डैग करती मैंने पता करने हैं ठीक है कर लोंगे फटाफट लो भी क्वेश्चन मार्क के सामने वाली चीज आप लिख ली 2200 लो भी आ डैग भुल जो वीक ते मैन दा देखो भी भाई जे 16 हफ्ते रोटी चलानी है तो किन्ने बंदे चाहिए सी किन्ने बंदे रोटी खाने 2200 ऐद की 24 हफ्ते रोटी चलानी है तो अपन बंदे की करने पैणगे भाई घटाने पैणगे आंसर घट लैके आना ठीक है तो घट आंसर किवें आऊ 16/24 ठीक है भी गल की है यार ये रनिंग आउट ऑफ टाइम क्यों हो जाता बार बार ठीक है जी गल फिर इन्हों दो देखो मैन ते डैग दा भाई जे एक बंदा 45 रोटियां खाता है तो किन्ने बंदे रोटी खा सकते हैं हाँ जी एक बंद एक एक बंदे की खुराक है 45 रोटी एक दिन की तो किन्ने बंदे रोटी खा सकते हैं 2200 जे हुण उही बंदे अपनी खुराक घटा देन एक बंदे की खुराक किन्नी होगी 33 रोटियां होगी तो हुण बंदे किन्ने रोटियां खा सकते हैं भाई किन्ने खा सकते हैं ज़्यादा खा सकते हैं तो आंसर की लैके आना ज़्यादा ज़्यादा किवें आऊगा भी 45/33 क्लीयर है लो भी बस इहनू की करना सोल्व करना है करो भाई इनू कट दो 11 के पहाड़े च कट दो 3 ठीक है ये बन गया 200 इनू कट दो 4 के चौके चौके 16 6 चौका 24 ओके भी इनू कट दो 15 × 3 = 45 इनू 2 ये 3 है ये फिर गया 5 × 3 = 15 कि आ गया भी आंसर 2000 आ गया अश्विनी की नैट की दिक्कत बड़ी आ रही है यार बार बार लीव कर रहा बंदा लो भी आंसर की आ गया थोड़ा 2000 ये आंसर है ना भी ये आंसर नहीं है उन्हें की पूछा सी भी हाउ मैनी मैन मस्ट लीव भाई किन्ने बंदे छड़ के जान भाई पहले किन्ने बंदे सी 2200 हुण किन्ने बंदे रह गए 2000 तो बंदे किन्ने छड़ के जान भी हाँ जी 200 बंदे छड़ के जान ये साडा आंसर है ठीक है हुण उहदे विच पेपर च जो आंसर आऊगा वह भी 2000 भी दिता होगा ए ऑप्शन होगी 2000 की ठीक है बी ऑप्शन होगी 200 की हुण जिहड़ा बंदा भी काली च कर गया उन्हें कढ़ लिया 2000 उहनूं आउंदा सारा हैगा सवाल सारा करता ठीक है पर उत्थे थोड़ा काली कर गया ठीक है वो आंसर ला गया होगा कहूगा हाँ जी मास्टर जी 2000 नज़ारा आ गया पर आंसर की है भी 200 है ठीक है ओके जी गल भाई ठीक है समझ आ गया अगला भी दसवां सवाल चलिए भी दसवें सवाल चे लो जी दसवां सवाल टू कॉगड व्हील्स भाई कॉगड व्हील कॉगड गरारियां होंदियां आ दंदे वाली गरारियां होंदी ना आपस च फसे होंगे एक दूजे नाल घूमते ने वो ठीक है ऑफ विच हैज 16 कॉग्स एंड अदर हैज 27 गरारियां ने भी एक कॉग्स की होंगे दंद होंगे ने आ जो दंद है ना ये दंद ने पहली गरारी के दंद किन्ने 16 तो दूजे के किन्ने ने 27 ठीक है वर्क इन टू ईच अदर दोहे आपस च भिड़िया हुई ने गियाँ ठीक है आपस च भिड़ के चलदी हैं कदे घड़ी खोली हो गरारियां नहीं होंगे टायर जो लगे होंगे वे कंडे आपस च भिड़े होंगे ने एक दूजे ने घुमाते हैं ठीक है ओंबे भिड़े हुए ने इफ द लेटर लेटर मतलब क्रम विच पिछे लेटर भी जिमें की होंगे मतलब इंग्लिश का शब्द है इंग्लिश जो करोगे वो भी यह शब्द आऊगा जो मैं एक सेंटेंस विच दो बंदे की गल कर गया
ठीक है, आह दो बंदे की गल कर रहा, जो मैं कहता लैटर बाद आला, बाद आले बंदे की गल कर रहा मतलब, ठीक है। जे मैं कह फॉर्मर तो मैं ये पहले आले बंदे की गल कर रहा हैं, ठीक है। इन्हें की कहा है, इफ द लैटर टर्न 80 टाइम्स इन 3/4 ऑफ ए मिनट। लेटर भी की दी, बाद विच की दी गल हुई सी, आ वाली करा रही थी, ये करा रही थी गल करता है, किन्ने बार घूमती है यह 80 बार घूमती है, ठीक है। किन्ने समय विच, आ समय विच टाइम, आ वाला समय 3/4 ऑफ ए मिनट, भी 3/4 मतलब 3/4 कि 1 मिनट का, 1 मिनट विच किन्ने सेकंड होंगे 60, तो कि आ गया भी 15 + 60 कि आ गया 45 सेकंड आ गया, ठीक है। हाउ ऑफन डज द अदर टर्न इन 8 सैकेंड, जी पहला वाली है वो 8 सैकेंड के किन्ने बार घूमूगी, स्टेटमेंट समझ गए भी, ठीक है जी। गल फिर भी सवाल तो कुछ नहीं, क्वेश्चन मार्क के सामने वाली चीज लो, लिख लो कि यह 80। हूँ पहला आ दो हम देख लो भी, जे एक करारी के दंद 27 ने, ठीक है, वह किन्ने बार घूमती है 80 बार घूमती है। दूजी जी गरारी है वो दंद 16 ने, मतलब वो गरारी छोटी है, तो वह किन्ने बार घूमूगी, ज़्यादा बारी घूमूगी, तो ज़्यादा आंसर लेके आना, समझना गल। जे छोटा टायर है इतों लैके इतों तक रोड़ना, मैं एक आह टायर है, एक आह बड़ा टायर है, बड़ा टायर थोड़ा बड़ा बना हुआ यार, एक आह बड़ा टायर है, इनू भी इतों तक रोड़ना है। हूँ भी इतों तक जोड़ा बड़ा टायर होगा वो घट बार घूमूगा, ठीक है, जल्दी पहुँचूगा, जोड़ा छोटा टायर होगा ज़्यादा बार चक्कर लगा जूगा, ठीक है ना गल। इसलिए जी छोटी गरारी होगी 16 दंदे वाली वो ज़्यादा बार रोटेट करूगी, ठीक है। लो भी अगे टाइम बारे देखिए, हूँ इन्ह दोह की गल करो बई, 45 सैकेंड के किन्ने बार गरारी घूमती है 80 बार घूम जाती है, उ 8 सैकेंड के गरारी ज़्यादा बार घूमू कि घट बार घूमू, सीधी जी गल है भी जो टाइम घट दोगे तो गरारी भी थोड़े बार ही घूमूगी, घट बार घूमूगी, तो घट आंसर किए आऊ 8/45, बस भी कट दो 8 × 16, ठीक है, 9 × 3 = 27, 9 × 5 = 45, 5 × 10 आ 0 कट्टे 8 कि आ गया 24 आंसर आ गया, क्लीयर है भी गल बी। अगला सवाल करोगे, अगला सवाल करोगे नहीं, मैं समझाना सुनो एक चीज समझानी है मैं सुनो, ये लो भी सुनो, इफ 30 मैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 27 डे, भी ये मैन ने ते यह डेज ने किन्ने 27 डेज, इन वट टाइम कैन 18 मैन डू ए पीस ऑफ वर्क 3 टाइम्स एज ग्रेट, ठीक है, ठीक है भी गल, 18 बंदे किन्ने दिन लैनगे, ये की चीज़ है टाइम्स, आज ये सुनो दसनी है मैं दसा भी, सुनो भी 30 बंदे 27 दिन च काम करते उदो यह टाइम दे नहीं रखा से, हूँ कहना 18 बंदे 3 गुना काम करते हैं, ठीक है, तो दसो किन्ने दिन उन्होंने लगन गए। हूँ टाइम्स मतलब की है, टाइम्स मतलब कम है, ठीक है, पहला एक बंदा टाइम्स मतलब की हो गया, 3 टाइम मतलब की है भी एक कुर्सी बनाउंदा सी, पहला बंदा पहला एक कुर्सी बनाउंदा सी, एरकी किन्नी कुर्सी बनाउंदा है, एरकी 3 कुर्सी बनाउंदा भी 3 गुना काम करदा है, पहला भी 30 बंदे 27 दिन च काम करते हैं, तो काम किन्ने गुना करते, 1 गुना काम करते, एक कुर्सी बनाते, ठीक है, तो ऐतकी 18 बंदे लगाए ने, उन्होंने 3 कुर्सियां बनानिया ने, तो दसो किन्ने दिन लगन गए। लो भी फिर उही गल, 27 के सामने वाले लिख लिया क्वेश्चन मार्क के सामने वाला 27, हाँ भी इन्हों दो चलाओ, 30 बंदे किन्ने दिन च काम खत्म कर रहे 27 दिन, 18 बंदे दिन की लैन गए, ज्यादा लैन गए, तो ज्यादा कि आओ आंसर 30/18, ओके ये हो गया। हूँ इन्हों दो देखो बी टाइम्स, जे एक कुर्सी बनानी सी तो 3 लगे 27, जे 3 कुर्सियां बनानी तो दिन की लगन गए, सीधी गल है ज्यादा ही लगन गए, तो 3/1 आ गया, ठीक है। हूँ ये टाइम का शॉर्टकट की हो गया, ये जो भी सवाल आऊगा
इन तुसी चुप करके की करनी है, गुणा करनी है चुप करके, ठीक है। जे सोच के करोगे भी हाँ एक गुणा काम करया था इन्ना, तीन गुणा काम करया था आंसर ज्यादा, तभी अल्टीमेटली की ओनू गुणा ही होनी है, इसलिए ओनू बिना सोचे समझे इत्थे गुणा होगा, तुसी की करना चुप करके गुणा मारनी है। ओके हुण तुसी भी टेबल समझोगे, लो भी 12वां सवाल थोड़ा होमवर्क है। ओके 13 नंबर सवाल भी थोड़ा होमवर्क है, चौदह नंबर भी होमवर्क है, पंद्रह भी होमवर्क है, सोलह भी होमवर्क है, ये वाला भी होमवर्क है, आहा भी बाबे हो ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, लो भी यह होमवर्क है। एक दो तीन चार पाँच छ सत्त अठ, अठ सवाल थोड़े होमवर्क है। जड़ा नहीं होगा सवाल मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली गल नहीं है, तो ये PDF मैं भेज देना थोनू, तो बुक भी तुसी अपनी ले लियो। ओके गल ठीक है भी, कल 8 बजे सेम टाइम मिलियो, टाइम से आ जाओ। ओके भी गुड नाइट मार दे।